तो जैसे पीछे मशीन लगा हुआ है, मशीन पे ये गाड़ी है, हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो गाड़ी पे बैठ चुके हैं और ये मशीन पे अभी पीछे बैक करके लगा रहे हैं, देख के बकेट में गाड़ी लगा रहे हैं। लोडिंग कैसे देता है, कितना मिनट में लोडिंग होता है वो बता दूंगा, और कैसे लोड गाड़ी कैसे लगाना है। अभी तो बैक कर रहे हैं, आपका दो नंबर में बैक कर रहे हैं प्रीतम भाई, ड्राइवर का नाम प्रीतम है। हाँ, और बैक कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे ही यहाँ पर गाड़ी लगाएं रिवर्स में, वैसे ही गाड़ी न्यूट्रल करके अपना ब्रेक दबा के रखे हुए हैं और लोड ले रहे हैं गाड़ी। ठीक है, न्यूट्रल है गाड़ी, अभी लोड ले रहे हैं, एक डेढ़ मिनट में लोड हो जाएगा। 550 का मशीन है, बहुत अच्छा लोड ऑपरेटर है, तुरंत लोड कर देता है। देखिए ये हो चुका है आपका, गाड़ी लग चुका है मशीन के नीचे और लोडिंग चालू है। गाड़ी आपका न्यूट्रल मोड में है, ब्रेक दबा के रखे हैं प्रीतम भाई पैर से। अब हैंड ब्रेक नहीं लगाया जाता है लोडिंग पॉइंट पे, क्योंकि पट्टा टूटने का बहुत डर रहता है, आप लोग भी हैंड ब्रेक मत लगाइएगा। अभी देखिए न्यूट्रल मोड में है, गियर आपका न्यूट्रल मोड में है, न्यूट्रल मोड में है। जब लोड गाड़ी निकालेंगे, जब लोड गाड़ी लोड लेंगे तब न्यूट्रल मोड में रहेगा, फिर जब लोड लेके निकलेंगे तब मैनुअल मोड में करेंगे। कितना नंबर बढ़ाएंगे प्रीतम भाई? एक नंबर बढ़ाएंगे ना, दो नंबर भी बढ़ा सकते हैं, अभी सरफेस बढ़िया है, दो नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नियम है एक नंबर में ही गाड़ी उठाना चाहिए। हाँ, तो पार्किंग ब्रेक लगा के रखे हैं क्या? नहीं, पार्किंग ब्रेक लगाने से क्या होता है कि लोडिंग पॉइंट में गाड़ी जब आगे पीछे होता है तो पट्टा टूटने का ज्यादा चांस होता है जी। इसीलिए हम लोग को ट्रेनर जो सिखाता है वोल्वो, हाँ, तो ब्रेक में ही लोडिंग पॉइंट में ब्रेक में पैर हल्का पुश करके रखना है। अच्छा, अभी लोडिंग हो रहा है गाड़ी? नहीं, गाड़ी लोड हो रहा है। पता कैसे चलेगा गाड़ी लोड हो जाएगा तो? हॉर्न मारेगा मशीन, हॉर्न मार दीजिए, दो हॉर्न मारेगा, समझ जाएंगे कि गाड़ी मेरा लोड हो गया। आराम से मैनुअल, कैसे कैसे गाड़ी निकलेगा आपका यहाँ फेस से वो बताते जाइएगा। ठीक है जी सर। देखिए गाड़ी मेरा हॉर्न मार दिया मशीन, हाँ, अब निकालेंगे, मैनुअल मोड में लगाएंगे जी, एकदम मैनुअल मोड में लगा लिए। मोड आता है इसमें हाथ से ही करना पड़ता है मोड जो है, हाँ, ये जो रास्ता बबलिंग जब करता है ना तो उसका एक अलग मोड दिया हुआ है, ऑफ रोड मोड। चलिए बढ़ाइए गाड़ी को। देखिए दोस्तों, एक नंबर में गाड़ी निकल रहा है धीरे धीरे करके, पर आरपीएम आपका 1500 से ज्यादा भागना नहीं चाहिए। देखिए आपका वहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले में, चार नंबर आरपीएम जो है, सो हम लोग को 13 ट्रेनर हम लोग को खास करके बोला है कि आरपीएम 13 तक ही ले जाना है, 13 से 15 नहीं करना, 15 से अगर हम ज्यादा भगाएंगे तो डीजल ज्यादा पिएगा, गाड़ी भगाना भी नहीं चाहिए। कितना नंबर गियर लगा दिए प्रथम भाई? अभी 5 नंबर में चल रहे हैं। एक नंबर से थोड़ा सा आगे जैसे हमको रास्ता बढ़िया मिला, 5 नंबर 6 नंबर में देखिए आगे चढ़ाई है दोस्त, हम लोग चढ़ेंगे इस रैम में, उस पर मैं हॉल रोड पकड़ेंगे, तो हॉल रोड पकड़ते हम 6 नंबर गाड़ी लगा देंगे, 6 नंबर गाड़ी में हमारा एयर रैम फूट जाएगा। उसके बाद जैसे ही मेरा समतल रोड आ जाएगा हम लोग 10 नंबर 11 नंबर गियर तक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी आप कितना नंबर उठा रहे प्रीतम भाई? 7 नंबर में हम चल रहे हैं, 7 नंबर मुड़ जाएगा, थोड़ा क्लियर है। अभी 7 नंबर लगा, देखिए रोड कैसा है, 7 नंबर लगा है। जैसे हम इसको रोड पकड़ रहे हैं, अपना मेन रोड पकड़ देंगे, गाड़ी आपका 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर तक पकड़ेगी। थोड़ा मोशन बनने दीजिए, आरपीएम ध्यान रखिएगा दोस्त, 15 से ज्यादा नहीं भगाना है कभी भी। गियर बताइए, 9 नंबर अभी लगा दिए, प्लेन रास्ता है बिल्कुल, हॉल रोड में हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, हॉल रोड में आ चुके हैं, अभी डंपिंग तक ऐसा रास्ता रहेगा, 9 नंबर लग चुका है। जैसे इसे गियर दीजिएगा प्रीतम भाई बताते जाइएगा। देखिए 10 नंबर दे दिए, 10 नंबर दे दिए, जैसा रास्ता रहेगा दोस्त वैसा गियर रहेगा। देखिए रास्ता अभी एकदम बढ़िया है, मक्खन की तरह एकदम हॉल रोड बोलते हैं इसको, पूरा चौड़ा रहता है उसको हॉल रोड बोलते हैं। तो अभी हम सर्विस रोड से अपना हॉल रोड में आ चुके हैं। देखिए मेरा आगे एक गाड़ी निकल गया है पास लेके, जैसे जैसे हम लोग भी जाएंगे वैसे वैसे हम लोग भी गियर देके आराम से कोई गाड़ी स्लो चल रहा है उसको पास लेंगे। अभी आपका 9 नंबर में ही गाड़ी चल रहा है, थोड़ा इसको हल्का सा हाइट है, उसको निकालने के बाद हम 10 लगाएंगे फिर 11 लगाएंगे। 10 दे दिए प्रीतम भाई, 10 दे दिए हैं, 10 में मेरा गाड़ी खींच रहा है। अभी जैसे ही थोड़ा देर और जाएंगे 11 लगा देंगे। अच्छा प्रीतम भाई, मैनुअल में चलाने से लोड गाड़ी क्या होता है? मैनुअल अगर हम लगाएंगे गाड़ी तो जो है गियर जो है फिक्स हो जाएगा, गाड़ी अपना आराम से चलेगा। लोड गाड़ी अक्सर ऑटोमेटिक में नहीं चलना, मैनुअल गियर में ही चलना है। अच्छा, ऑटोमेटिक में अगर हम चलेंगे तो कहीं गड्ढा उड्ढा बबलिंग करेगा तो 10 नंबर रहेगा डायरेक्ट लग जाएगा, 8 नंबर 7 नंबर तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डीजल भी पीने का ज्यादा चांस रहता है उसमें। अपने मैनुअल में ही रोड गाड़ी चलाना है हम लोग को, ट्रेनर वॉल्वो। तभी कितना नंबर गियर लगा दिए हैं? 11 नंबर में हम चल रहे हैं। चलिए अभी दोस्त 11 नंबर मेरा चल रहा है, अभी 11 नंबर में ही चलेगा, थोड़ा आगे बताते हैं।